रहमान रहीम, लेसन नंबर 6, टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। इसमें जो स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए पॉइंट्स हैं वो ये वाले हैं, वो है एनालिसिस, टेक्स्ट पैटर्न्स, वो टेक्स्ट पैटर्न्स को समझ सकें, उसका मेन आइडिया समझ सकें, एनालाइज कर सकें पैराग्राफ्स को, उसके अंदर जो प्रोसेस है और उसके प्रोसीजर को रिकॉग्नाइज कर सकें, इसमें डिमोनस्ट्रेट फंक्शन को और मॉडल वर्ब्स को, यूज़ मॉडल वर्ब्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और इसके अंदर जो मॉडल वर्ब है उसके जो फंक्शन है उसको समझ सकें, क्लासीफाई एंड मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, इसमें जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें, डेवलप आ यूनिफाइड पैराग्राफ यूजिंग ट्रांजेक्शनल डिवाइस विद इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर रहते हुए कौन सी ट्रांजेक्शनल डिवाइस इस्तेमाल हुई वो पढ़ सकेंगे, यूज़ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, इसके अंदर जो अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है, वोकैबुलरी है, स्टाइल है, और एग्री और डिसएग्री करना पोलाइटली अंदाज में वो सीखना है। आगे है डू यू इंजॉय टेकिंग टेस्ट, क्या आपने जो है जो इम्तहान देते हैं उसको इंजॉय करते हैं। डू एग्ज़ाम्स स्केयर यू, क्या आपको इम्तहान जो है वो स्केयर करते हैं, क्या आपको इम्तहान से डर लगता है, ये इसमें जो है वो मेन इस सबक को पढ़ने से पहले ये पूछने वाले दो सवाल हैं जो तालिबे इल्म से पूछे जाते हैं। आगे शुरू हो रहा है, टेस्ट कैन रियली हेल्प टू नो, जो इम्तहान होते हैं ये जानने के लिए मदद करते हैं वेयर यू आर एंड व्हाट यू नीड टू डू इम्प्रूव, कहाँ पर खड़े हैं और आपके अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है कि आप उसको बेहतर कर सको। दे लेट यू नो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग दैट यू हैव बीन लर्निंग, एंड दे आल्सो हेल्प टीचर टू प्लान व्हाट मोर इज़ नीडेड टू बी डन, यानी इससे यह अंदाज़ा हो सकता है कि आप कहाँ पर बेहतर हैं और कहाँ पर आपको मदद की ज़रूरत है और कहाँ पर उस्ताद आपको आपकी बेहतरी के लिए आपकी रहनुमाई कर सकता है। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स रियली स्ट्रेसफुल बिकॉज दे आर समथिंग दैट यू नीड टू पास इफ़ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, ये इम्तिहानात बहुत ज़रूरी है, ये स्ट्रेसफुल भी होते हैं क्योंकि इससे आपको ये जांचने की ज़रूरत भी होती है, इससे आप अपने अगले लेवल पर जाने के लिए एक अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स आर यूजली मोर फॉर्मल, इम्तिहानात ज़्यादातर जो है वो फॉर्मल होते हैं, यू मे टेक एग्ज़ाम्स इन अ वैरायटी सब्जेक्ट, एग्ज़ाम्पल गिवन मैथ, साइंस, इंग्लिश, ETC, टू सी इफ़ यू हैव रीच्ड दैट लेवल एंड कैन मूव ऑन द नेक्स्ट ऑन टू द नेक्स्ट, यानी इन असबाक इन मजामीन के अंदर आपका इम्तिहान होता है और इस इनके इम्तिहानात से ये जो है वो फाइनल किया जाता है कि आपको अगली क्लास में अगले लेवल में भेजा जाए या ना भेजा जाए। टेस्ट एंड एग्जाम्स कैन बी रिटन, टेस्ट जो है वो रिटन भी हो सकते हैं, ऑरल भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकली भी हो सकते हैं, आर द ऑल इवन आर थ्री, तीनों किस्म के भी टेस्ट हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स मीन दैट यू कैन शो व्हाट यू नो, प्रैक्टिकली एग्जाम से ये जाना जाता है कि आप क्या जानते हैं, आपको क्या हासिल हो चुका है। इन ऑरल एग्जाम्स यू हैव टू गिव द आंसर्स, और आप जो ऑरल एग्जाम्स होते हैं उसमें आप ऑरली जो है वो अपने जवाब दे सकते हैं। इवन एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्जाम्स, हर कोई जो है वो टेस्ट और इम्तिहानात से जो है वो घबराता है। सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड दैट दे डू बैडली इवन थो दे हैव वर्कड रियली हार्ड, स्ट्रेस प्रीवेल्स ओवर दैम एंड दे कैन नॉट डू देयर बेस्ट, यानी जो इम्तिहानात हैं उससे बहुत सारे लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत सारे जो तालिबे इल्म हैं वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, लेकिन दे डू नॉट डू देयर बेस्ट, वो अपने लिए अच्छा भी नहीं कर पाते, जो अपने ऊपर स्ट्रेस को ले लेते हैं उनके अंदर एक खौफ चला जाता है या उनको शिकस्त का जो है वो खौफ आ जाता है, तो उसकी वजह से वो अपने इम्तिहानात को अच्छे तरीके से नहीं अटैम्प्ट कर पाते। उसके बाद है उसने क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज द वर्ड्स प्रीवेल मीन्स, प्रीवेल का क्या मतलब है, द वर्ड जो प्रीवेल है इसका मतलब है टू विन, किसी चीज़ को हासिल करना, जीतना, एंड टू बीट या किसी चीज़ को फतह करना या किसी चीज़ को शिकस्त देना। प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्जाम्स प्लान एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर द स्टडी, अपने जो एक मुताले का वक्त है उसको डिसाइड करें, लेयर एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी तमाम सरगर्मियों को तकसीम कर लें, बराबर तकसीम कर लें, गेट इन टू द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली एंड इन टाइम, और अपने घर के काम को या जो तफवीज़ किया जाता काम है उसको घर पर प्रॉपर टाइम पर करें। आस्क द टीचर इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो अपने उस्ताद से फौरी उसकी रहनुमाई हासिल करें।
आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क, और अपने साथ से रहनुमाई हासिल करें कि वो आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हैव ए टाइडी स्टडी एरिया एट द होम वेयर यू हैव नॉट गोट हीप्स ऑफ स्टफ अराउंड टू डिस्ट्रैक्ट यू, और घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना रखें या आप अपने कमरा के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना रखें कि जो आपके आपको मुतालिया के दौरान आपको डिट्रैक्ट करे, आपको उस अपनी तरफ मुतासर करे या अपनी तरफ जो है वो उसका रुझान आपका उस तरफ हो जाए। वो चीज़ें अपने कमरा से जो है उनको हटा दिया जाए। स्टडिंग विद समवन कैन बी हेल्पफुल बट ओनली इफ़ यू स्टिक टू दी टास्क, वर्किंग अलोन इज बेस्ट, अकेले काम करना बेहतरीन है। अगर आप किसी के साथ मिलकर हेल्प करके अपने लेसन को तैयार करना चाहते हैं वो भी बेहतरीन है। यू विल हैव टू डू द टेस्ट आर एग्जाम्स ऑन योर ओन, क्योंकि आपने इम्तिहानात अकेले ही देने हैं, आपने इम्तिहानात में अकेला बैठ के अपने जो टेस्ट है या एग्ज़ाम्स हैं ये आपने खुद देने हैं। लेकिन आप स्टडी करना चाहते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं, आप दोस्त के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। अकेले याद करना भी बेहतर है और किसी दोस्त के साथ मिलकर करना वो भी बेहतर है, वो आपकी हेल्प कर देता है, रहनुमाई कर देता है। वेदर यू आर मॉर्निंग लार्क, जब आप सुबह के वक्त अपने आप को जो है प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने आप को जो है वो आप जल्दी उठाने लग पड़ते हैं, जल्दी उठते हैं, आर नाइट ऑल, और अपने आप को रात को जल्दी सुला लेते हैं। मेक योर स्टडी टाइम व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट एंड एनर्जेटिक, और अपना जो मुतालिया का वक्त है वो उस वक्त रखें जब आप ज़्यादा अलर्ट और ज़्यादा एनर्जेटिक हों। यू आर टायर्ड एंड स्लीपी यू आर द वेस्टिंग योर टाइम, अगर आप थके हुए हैं और आप ज़्यादा चौकस नहीं हैं, सर गर्म नहीं है, तो आपके पढ़ने का भी फिर उस वक्त जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता और आप अपने आप वक्त जाया करते हैं। क्रेमिंग स्टफ इन टू योर ब्रेन जस्ट बिफोर आर टेस्ट आर एग्जाम्स डज नॉट वर्क, आपके दिमाग के अंदर किसी किस्म का कोई मवाद जो है वो ठोंसना नहीं, अपने दिमाग के अंदर किसी भी मवाद को ठोंसना नहीं है जिसका कोई फ़ायदा ना हो, यानी कि वो मवाद आपने नहीं याद करना जिसका आपको कोई फ़ायदा ना हो। यू आर मोर लाइकली टू फॉरगेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड एंड गो इनटू द पैनिक, आपने कोई ऐसा मतलब के सबक या लेसन नहीं याद करना जो आप पहले से याद कर चुके हैं, और अगर कोई पहले से भूल चुके हैं किसी परेशानी की वजह से तो उसको आप थोड़ा सा दोबारा जो है वो बैठ के याद कर सकते हैं। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट एंड सेव द सब्जेक्ट यू इंजॉय फॉर आफ्टर, पहले तो आप उस काम को याद करें, फिर उस सबक जो आपने पढ़ा है उसको फिर इंजॉय भी करें, उस सबक को आप उसका लुत्फ भी लें। प्रैक्टिस करें आउट लाउड इफ़ यू हैव टू डू एन ओरल प्रेजेंटेशन, अगर आपने कोई ज़बानी याद करना है तो ऊंची आवाज़ में उसको पढ़ना शुरू करें। ट्राई इट आउट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, वो वाला जो है आप जो एक मश्क करते हैं अपनी अपने अपने एतमाद को बढ़ाने के लिए, उसे अपने घर वालों के सामने, अपने दोस्तों के सामने भी आजमाइए और अपने एतमाद में इजाफा कीजिए। जो आपने सबक याद किया है उसको आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ जो है वो उनके सामने पेश करें उसकी प्रेजेंटेशन, ताकि आपके अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सके। टेकिंग द टेस्ट टेस्ट लेना, रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस, तमाम हदायत को पढ़ें एंड क्वेश्चंस केयरफुली, और सवालात को बड़ी जो है वो एहतियात से जो है वो आपने सवालात को गौर से पढ़ना है। रीड बोथ साइड्स ऑफ द ईच पेज, और हर दो पेज के दोनों तरफ को पढ़ना है। वर्क आउट विच क्वेश्चंस यू विल आंसर इफ़ यू हैव टू चॉइस, अगर आपको इंतखाब का हक दिया गया तो आप सोचिए कि किन सवालात के आप जवाब दे सकेंगे। मेक अ क्विक प्लान इफ़ यू हैव टू राइट एन एसे आर स्टोरी, अगर आप कोई कहानी लिखने लगे हैं या मजमून लिखने लगे हैं तो फौरी उसका एक खाका तैयार कर लें। जस्ट राइट डाउन की वर्ड्स सो दैट यू स्टे ऑन ट्रैक, और फौरी आपने क्या करना है, कलीदी अल्फाज लिख लीजिए ताकि आप अपने मौजू पर तवज्जा मरकूज रख सकें। आंसर ऑल दी कंपल्सरी क्वेश्चंस द वंस यू हैव टू आंसर्स, और आपने अपने जो अहम सवालात हैं उनके जवाब दीजिए, और वो सवालात जिनका जवाब देना ज़रूरी है। चेक योर वर्क, अपने काम को चेक करें, जो आपने खुद लिखा है वो काम को तसली से उसका जायज़ा लें। एंड स्टार्टिंग विद द इंस्ट्रक्शंस टू मेक श्योर यू डिड व्हाट यू वर आस्क्ड टू डू, और हदायात से आगाज़ कीजिए ताकि यकीन हो जाए कि आपसे जो कुछ कहा गया है आपने वही कुछ किया है। डिड यू हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपने क्या करना है कि आपको हर सवाल का जवाब देना था, चंद सवालात का क्या जवाब देना था, या आपने हर हिस्से के
हर हिस्से से कई सवालात का जवाब देना था, यानी चेक दैट यू हैव डन दिस, और आपने फिर उसको जायज़ा लीजिए कि आपने सारा कुछ जितना आपको दिया गया आपने लिख लिया है। चेक योर स्पेलिंग्स, अपने जो स्पेलिंग्स हैं वो आपने चेक करने, जो आप स्पेल लिखते हो पंचुएशन का ख्याल करना है। हैव यू मिस्ड एनी वर्ड आउट एंड डज इट मेक सेंस, आपने ये भी देखना है कि कहीं कोई लफ्ज़ छोड़ तो नहीं दिया, क्या वो लफ्ज़ जो छोड़ा गया है या जो लिखा है ये काबिल फहम भी है। इफ़ यू फिनिश अर्ली गिव योर सेल्फ अ फ्यू मिनट्स टू रिलैक्स, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, अपने आप को थोड़ा जो है वो चंद लम्हे के लिए पुरसकून करें। एंड स्टार्टिंग चेक योर वर्क, और फिर आपने जो है वो अपना काम उसको चेक करना शुरू कर देना है। इसके अंदर कुछ सवालात भी आ रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन द फ्रेज मॉर्निंग लार्क एंड नाइट ऑल, क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं कि सुबह के टाइम जो है वो एनर्जेटिक कैसे होना है और क्या होना है, यानी कि सुबह खेज ऐसा फ़र्द होता है, यानी इसके अंदर जो है वो सुबह खेज जो और नाइट ऑल है, सुबह खेज ऐसा फ़र्द होता है जो सुबह सवेरे उठता है और अपने काम में लग जाता है और अपने काम करने का आदि हो जाता है, और शब बेदार ऐसा फ़र्द होता है जो रात गए तक जागता है और काम करने का आदि हो जाता है। यानी कि जो रात को जागने वाला और रात को जाग के काम करने वाला आदि हो जाए उसको नाइट ऑल करते हैं, ओल कहते हैं, और मॉर्निंग लार्क जो है वो सुबह के वक्त उठकर जो है वो अपने काम करने का आदि हो जाए उसको ये कहते हैं। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड एग्जाम्स, आप अपने इम्तहान को कैसे प्रिपेयर करते हैं। आई रिवाइज माई डेली लेसन्स, मैं अपने जो असबाक हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर बाकायदगी से दोहराता हूँ रेगुलरली, विच कीप्स मी वेल प्रिपेयर फॉर टेस्ट एंड एग्जामिनेशन ऑल द टाइम, और फिर जिसकी वजह से मैं हर वक्त इम्तहानात और टेस्ट को अच्छी तरह जो है वो क्या कर लेता हूँ, तैयार कर लेता हूँ और तैयार रहता हूँ। वट आर्डर टू डू दीज स्टेप्स फॉलो, आप इन स्टेप्स को जो इसके अंदर दिए गए हैं उनको आप कैसे तरतीब देते हैं, उनकी कैसे पैरवी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली, वर्क आउट विच क्वेश्चंस यू विल आंसर इफ यू हैव अ चॉइस, मेक अ क्विक प्लान इफ यू हैव टू राइट एन एसे आर स्टोरी, आंसर ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चंस, चेक योर वर्क केयरफुली, यानी इन्हीं हदायात को आप कैसे तरतीब दोगे वो आपने इसमें से बताना है। आपने जिस तरह अपने आपको प्रिपेयर करते हैं इम्तिहान के अंदर लिखने के लिए, तो उस तरतीब से आपने इसको जो है वो ऑर्डर कर देना है। ठीक हो गया बेटा जी, ये हमारा लेसन था, लेसन नंबर 6 है टेस्ट एंड एग्जाम्स के हवाले से, इसकी ट्रांसलेशन भी बता दिए और जो इसके इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे थे उनका भी जो है वो आंसर साथ साथ बता दिए। इसकी फिर एक्सरसाइज रह जाएगी, वो हम कल देखेंगे उसके क्वेश्चन का आंसर, और बाकी जितनी मरूजी है ऑब्जेक्टिव है वो कल इसका जो है वो उसके ऊपर सॉल्व भी करेंगे और उसको देख भी लेंगे। ठीक हो गया, ये सारा लेसन है।